हाय, वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मैं हूँ एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। वालेकुम अस्सलाम। इलियास भाई इज़ अ शॉप ओनर ऑफ सुपर लेदर। इलियास भाई, इनएडवर्टेंटली हमारी वीडियो डिलीट हो गई मेरे से बाय मिस्टेक। देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन आवर वीडियो एज सच। यू हैव एन एक्सेसरी शॉप इन कठोर सूरत में। हॉर्स एक्सेसरीज, काउ एक्सेसरीज, गोट एक्सेसरीज, गोट कैट्स एंड डॉग्स सारा मिलता है। बेसिकली अ पेट एक्सेसरी शॉप, प्राइमरली फोकस्ड ऑन हॉर्सेस। जी हॉर्सेस और बकरों पे। हॉर्सेस पे क्या है अभी ये जो वीडियो है? दिस विल रिवॉल्व अराउंड हॉर्स एक्सेसरीज ओनली। पूरी हॉर्स एक्सेसरीज, बकरों का सेपरेट बनाएंगे। जी, बकरों का सेपरेट बनाएंगे। इस वीडियो में सारी आपको हॉर्स की एक्सेसरीज मिलेगी। ओके, कहाँ से शुरू करें हम? ग्रूमिंग से। ग्रूमिंग किट। हाँ, ग्रूमिंग किट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिकली ये सबको नीडेड ही होता है। राइडिंग तो हर रोज कोई नहीं करता, लेकिन ग्रूमिंग हमेशा करते ही करते हैं। ओके जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ चेन इन अ ग्रूमिंग किट। नहीं, ये मैंने ऐसे ही रख दी है। ग्रूमिंग किट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। चेन फ्री है दिखाने के लिए ही रखी है। ओके, ब्रास की चेन है। ठीक है, ये तो क्या बोलते हैं, खरेड़ा। जी, ये बहुत देखा हूँ मैं पंजाब में। जी, लोग जी, ये यूज करते हैं इसे बाल भी। हाँ, बाल और मट्टी निकालने के लिए होता है। उसमें दो टाइप के आते हैं, एक ये डॉटेड वाला आता है और एक ये प्लेन वाला आता है। दोनों यूज में आते हैं। ओके जी, और नेक्स्ट आइटम है ब्रश। ओके, ब्रश में भी दो टाइप के हैं, सॉफ्ट और हार्ड। टेल मी व्हाई शुड समबडी बाय दिस, व्हाई शुड समबडी बाय दिस ब्रश और ये ब्रश, तीनों के फायदे क्या है अलग अलग? वाद भाई, ये इसके लिए यूज होता है कि जो घोड़े के अंदर रुवाटी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है वो अच्छी नहीं लगती है। जो मारते हैं ये तो उसे वो रुवाटी निकल जाती है। रुवाटी मारने के बाद ये ब्रश यूज करते हैं। रुवाटी क्या है, आप थोड़ा हिंदी में बोलोगे मुझे? यानी वो सॉफ्ट वाले बाल नहीं होते, सब फड़ी फड़ी टाइप लगता है हॉर्स के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, वो निकालने के लिए, वो जैसे डेड हेयर जैसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके ओके, उसके लिए होते हैं ये। इसको मारने के बाद ये ब्रश यूज किया जाता है। तो वो झड़े हुए बाल आप निकाल दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद ये ब्रश यूज कीजिए। ब्रश कीजिए। ब्रश में भी दो टाइप होते हैं, तीन टाइप है। हाँ, दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड वाला एक सॉफ्ट वाला। ओके, ये हार्ड वाला या सॉफ्ट वाला, कि घोड़े को कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा चुभे ना इसके लिए। ओके, तो क्यों हार्ड वाला फिर लेना चाहिए जब दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, ये क्योंकि बहुत बार वो कादू या मड वगैरह या उसके इसके अंदर बैठा तो हुआ निकलती ये इससे आसी नहीं, क्योंकि हर रोज तो कोई ये खड़ेरा यूज नहीं करेगा। राइट, इसलिए ये ज्यादा यूज करने के। इसमें दो टाइप होते हैं, ये भी चलता है, ये भी चलता है। ओके, और वो वाला क्या है? ये ग्रूमिंग नहलाने के लिए है। और ये एक मसाज के लिए भी बहुत अच्छा है भाई, ब्लड सर्कुलेशन के। तो नहलाने के लिए क्या शैम्पू वैम्पू लगा? शैम्पू वैम्पू लगा के। जी जी, ये दो चीज है, शैम्पू वो करने के बाद नहलाने के लिए ये रबर का ग्लव्स आता है। ओके, और ये मसाज के लिए या फिर उसको नहलाने के लिए, दोनों में यूज होता है। इसके ब्लड सर्कुलेशन घूमता रहता है, अच्छा रहता है, मसाज मिलता है घोड़े को, पाँव में कुछ सूजन हो या कहीं पे कुछ हो। ओके, उसके अंदर ज्यादातर यूज होता है। यस भाई, इनका प्राइस बताओगे कि यू वांट टू कीप इट टू योरसेल्फ इन दैट केस? बोलो ना, बाद में बता दूंगा। ये सब चीप चीजें ही हैं। ये 50 रुपीज का है, ये 70 रुपीज का है, ये ब्रश ये भी 70 का है। ओके, ये बड़ा वाला ब्रश 120 का है। ये इम्पोर्टेड आइटम है फायद भाई, ये चाइना से आता है। इसकी प्राइस 150 है। इसमें इंडियन मेड भी आता है 50 रुपीज़। 150 अलोंग विद द ग्लव्स? नहीं, सेपरेटली की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी डिपेंड ऑन क्वालिटी फायद भाई। ये 150 रुपये का बड़ी साइज में आता है। okay. उसमें इंडियन क्वालिटी भी आती है, एक 50 रुपीज़ की आती है, एक 100 रुपीज़ की आती है। okay. वो भी मेरे पास मिल जाएगी। जी, ये मैं आपको वीडियो में सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखा रहा हूँ। uh-huh. ये ग्रोमर है, ग्रोमर में भी बहुत सारी क्वालिटी, 3-4 क्वालिटी है। okay. ये सबसे अच्छा है एक्सपोर्ट वाला, फटेगा नहीं। मेड इन इंडिया? जी, मेड इन इंडिया है ये। इस ये आएगा 100 रुपीज़ का। okay. उसमें लोकल वाला भी आता है जो थोड़ा हार्ड रहता है। okay. वो 50 रुपीज़ का आता है, वो भी मेरे पास है। और ये क्या है? ये फाद भाई, इसकी जो केसवाणी के बाल होते हैं ना, गर्दन वाले, उसको ओढ़ने के लिए है ये। okay. ये चीज़ है हुफ पिकर, यानी जो हुफ के अंदर नाल के बीच में जो कचरा होता है उसको इससे साफ करते हैं। okay. और ये ब्रश किसके लिए? कौन सा? हाँ, उसी के लिए। पहले इसे निकाल देते हैं अंदर से बीच का कचरा। अच्छा, उसके बाद ब्रश करते हैं उसको निकालने के लिए। बहुत अच्छा बना है घोड़े की शेप में। ये भी इम्पोर्टेड है। okay. ये इंडिया में नहीं बनता ये। अच्छा, वैसे ये स्वेट स्क्रैपर बोलते हैं, नहलाने के बाद पानी निकालने के लिए। ओके, इतने बड़े घोड़े पे कपड़ा यूज नहीं करते हैं बहुत लोग। अच्छा, और जो पानी एक्सेस पानी होता है, ठंडा लग जाए उसको, उसकी वजह से ये पूरा दिया हुआ, उसको आप पूरा वाइप कर सकते हो। ओके, ये बम्बल कड़ी है घोड़े को बांधने के लिए। ओके, और इसके अंदर ये हुक लगता है।
पूरा अच्छा। सेट है ये पूरा हाँ। सेट 100 रुपीस का है दोनों। और ये वाला इसके क्या बोले आप? ये 250 रुपीस का है। 250 रुपीस। एंड दिस ये हुफ का? ये 250 का। तो ये भी 250 रुपीस है। ये तीन चीजें ना फहद भाई इम्पोर्टेड है। ओके। मेड इन चाइना वाली है। ओके। बाकी सब इंडियन दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है अभी? ये वाले एंकल शूज बोलते हैं। एंकल शूज यानी जब घोड़ा चलता है तो घुटन के ऊपर लगता है उसको यहाँ पीना तुम साइड के अंदर शो के लिए क्या कुछ एडवांटेज नहीं एडवांटेज फहद भाई बहुत 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 तो बहुत बार घोड़े को दौड़ने के अंदर लग जाता है तो अलग अलग जगह के अलग अलग शूज हैं ये एंकल है फिर ये टेंडन्स हैं ओके फिर ये भी एंकल है ओके ये तीन तरह के शूज है मेरे पास ओके कितने का आएगा जी ये बेसिक है ये 300 रुपये का है हाँ? ये 500 रुपीज का है ये 600 रुपीज फॉर पे हाँ फहद भाई ये दो पाँव के आगे के पाँव में इसे ये सब चीजें लगती हैं ओके ओके इसी तरह ये बेल बूट है ये हमारे गुजरात में और राजस्थान में सबसे ज्यादा चलते हैं शो के लिए नहीं शो के लिए नहीं फहद भाई यहाँ पे रवाल के अंदर घोड़े चलते हैं okay. रवाल रेस के तो पीछे के पांव आगे के पांव आगे के हुफ के ऊपर लगते हैं तो ये सेफ्टी के लिए पहनाते हैं अच्छा ब्रेकेबल है बहुत इजीली है नहीं हाँ घोड़े का पांव लगेगा नाल वाला तो कोई भी चीज फट जाएगी बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी है 150 से स्टार्ट है 400 तक के मेरे पास से ये 300 रुपीज का है ठीक है और बॉडी हेलमेट ये हेलमेट है राइडिंग हेलमेट बच्चों के लिए बड़ों के लिए सेफ्टी हेलमेट क्या साइज की है ये सर ये एल साइज की यानी लार्ज कोई भी एडल्ट को आ जाएगा 16 प्लस होगा फिट्स योर हेड येलो है ब्लैक है रेड है दूसरे भी बहुत सारे कलर आते हैं इसके अंदर ये 300 रुपीज का पैकेट है 4 पीस का अभी बहुत से लोग बोलेंगे भाई यहाँ से क्यों ले मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं गया था पुष्कर पुष्कर में एक स्टॉल था जी वहाँ पर मैंने वीडियो बना दिया ऐसे ही मैं बोला उसकी मदद करता हूँ अब इतनी कंप्लेंट्स आने लग गई भाई हमने पैसे भेज दिए 10 दिन हो गया वो बंदा फ़ोन स्विच ऑफ है आंसर नहीं करता है तो ये आपको दिक्कत आएगी आप खुद तो पुष्कर जा नहीं सकते हो तो एडवांटेज यही है आपको यहाँ पर ऑर्डर करने से कि दिस इज़ अ रेप्यूटेड शॉप इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स जो मेले में जो बाहर जो वो ठेले लगते हैं ना उनका कोई भरोसा नहीं है बिल्कुल सही बिकॉज वो आज रहे मेले में कल नहीं रहे शायद अगले साल नहीं भी आए तो आपका पैसा खतरे में है खतरे में और मैं तो यहाँ 1952 से ही हूँ फहद भाई दादा के टाइम से दुकान है यहाँ 62 इयर्स पूरे हो चुके हैं शॉप को ओके और आई रिमेम्बर यू गिवन अवे क्वाइट अ फ्यू थिंग्स इन अ कॉन्टेस्ट इंस्टाग्राम पे भी तो वो इमीडिएटली ये भेज देते हैं योर रिस्पॉन्स टाइम Efficiency is very fast. Not because he doesn't get any order, because he's very quick in executing the order. In delivery, sir. Delivery is boss part. Fast hi karwata. Achha, kya hota hai us martaba jab bhi kisi ko kuch broken part mile ya somebody is not satisfied? Do you get it replaced? मेरे से कोई भी कुछ भी सामान लेता है. जैसे आपने फोटो देख के मेरे से ले लिया. आपके यहाँ पहुँच गया. आपको पसंद नहीं आया तो आप मेरे को रिटर्न कर दो. जैसा पैसा जैसा मेरे पास माल आ जाएगा, वैसे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. Within a minute. उसमें डिले नहीं होता है काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि किसी ने लिया हो परचेस किया है पसंद नहीं आया तो मैं मंगवा नहीं तो इक्का दुक्का लोग ऑर्डर कर सकते हैं कि यू हैव टू हैव अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट ना ऐसा कुछ नहीं आप 30 रुपए की चीज भी लोगे तो अभी मैं कुरियर करूंगा कुरियर चार्जेस ऑब्वियसली ऑल इंडिया डिलीवरी करता हूँ मैं अगर कोई विलेज में है तो बाई पोस्ट से भेजता हूँ बाकी ये मारुति है अंजनी है महाबली ये सारे कुरियर से मैं डिलीवर करता हूँ ठीक है बिफोर वी शो द टैग उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हम एक गिव अवे भी दे रहे हैं जी हम फ्रॉम सुपर लेदर जी How do you participate in this giveaway? You just have to make sure you like the video. जी like करें. Comment कीजिए. और अपना screenshot, comment का screenshot, इनको message किए इनका Instagram का page का profile के. The Saddle Shop. The Saddle Shop. जी. The Saddle Shop is the Instagram account. बता दो mobile पे. मैं आपको दिखा रहा हूँ. So that कोई wrong लोगों को नहीं भेजिए लोग. ठीक है. मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. नहीं नहीं आप नहीं आओगे कैमरे में बेफिक्र रहिए. है ना? ये फहद भाई मेरा ठीक है दिस इज द शटल शॉप
सो वी होप कि 1000 हो जाए फटाफट, ठीक है, इंशाल्लाह तो हो कर लीजिए जाएंगे फटाफट जी। दिस रीसेंट अकाउंट। आप अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट इनको मैसेज कीजिए, ठीक है, और क्या दे रहे हो वो बताइए हमें। मैं दे रहा हूँ बर्बैक सैडल पैड, यहाँ पे रखोगे आप कहीं बताइए। ये मैं बर्बैक सैडल पैड दे रहा हूँ गिव अवे के लिए। Okay. ये एक मिनट जरा पकड़िए आप। ओके बताइए। ये सैडल ही है फहद भाई, लेकिन ये पूरा कपड़े पे और फर पे बना हुआ है, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। और हाँ, ये इसको ट्रेनिंग सैडल भी बोल सकते हैं क्योंकि इजी टू यूज है, डाल के सिर्फ बैठना ही है। इसके अंदर स्टरप भी लगे हैं, स्टरप्स भी लगे हुए हैं, गर्ड भी लगा हुआ है और नीचे पूरा फल लगा हुआ है कि घोड़े को भी कोई जात की दिक्कत ना हो बैठने में या राइडर को भी। ओके ओके। और कपड़े भी गंदे नहीं होते इसके अंदर। Now this is washable. Yeah, washable. This is washable, right? जी, पूरा वॉश कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, रफ एंड टफ। We giving this for free. Otherwise, if somebody wants to buy it, कितने का आएगा? ये आपको पड़ेगा 1100 रुपए। 1100 रुपए का। So we not giving anything cheap. 1100 rupees का दे रहे हैं giveaway. Only to one person, ना? जी, one lucky winner. We'll probably come with future giveaways later on as well. But at this point in time, comment कीजिए आप and make sure screenshot जो है इनको the saddle shop, right? इंस्टाग्राम के पेज पे कर दीजिए। चलिए, ये था हमारा गिव अवे। कमिंग बैक टू द अदर वंस दैट यू वांट टू सेल। अभी फहद भाई, मैं दिखाने जा रहा हूँ सैडल पैड्स। यहाँ से शुरू करें हम? जी, ये फहद भाई सैडल पैड्स हैं। ओके, ये जो सैडल होते हैं इस टाइप के, उसके नीचे लगते हैं। इसके नीचे लगते हैं? या ये किसी के भी सैडल के नीचे लगते हैं। ओके ओके। कौन से मटेरियल के है ये? कौन सा ये पॉलिस्टर है। ओके, और अंदर ये पैडिंग किया हुआ है, स्टिचेस और सब देख लीजिए, फ्रेश पीस है, पुराना पीस नहीं है। इसमें कलर वगैरह है फहद भाई। ये आपका क्या कोई प्रोडक्शन? हाँ, मेरा यूनिट है कानपुर। आपका यूनिट है कानपुर में? ओके। उनसे पर्सनली मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता हूँ। ये सारे कलर है। कितने के आ जाएंगे ये? 550 के। 550 रुपीज़। जी। ओके, सो ये है 550 रुपीज़। ये सैडल पैड जी, और भी सैडल पैड है हमारे पास। नाउ दैट वाज पॉलिस्टर ना? क्या था? पॉलिस्टर। और ये क्या है? कप? ये वूल की शीट से ऊपर लगी हुई, नीचे फर है और अंदर 25 mm का, 25 mm का है, 25 mm थिक वाला स्पंज लगा हुआ। ओके, ये भी वॉशेबल है और आप देखोगे वेट भी नहीं है, मुश्किल से 1 kg 300 g है। ओके, और ये बहुत ड्यूरेबल है और बहुत लॉन्ग चलता है। ये मेरी दुकान की सबसे बेस्ट सेलिंग आइटम है। अच्छा, कितने का है ये? 1100 रुपए का। 1100 रुपए का। ओके, इसमें बहुत सारे कलर हैं फहद भाई, आप देख सकते हो। ये सारे कलर हैं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कलर योर हॉर्स इज, मेक श्योर यू वो सैडल के हिसाब से सेट करते हैं बन। वैसे आप बताइए, सफेद घोड़े पे क्या अच्छा लगता है? लाल सफेद घोड़े पे मोस्ट ऑफली रेड और रेड रेड और ब्लैक, रेड ब्लैक है, रेड ग्रीन भी है। ग्रीन वाला किस पे जाएगा? लेते हैं ना, लेते हैं पूरा ग्रीन सेट करते हैं, हल्टर ग्रीन पहनाते हैं। वो ब्राउन भी अच्छा लगेगा, सफेद घोड़े पे तो इनफैक्ट नुकरे पे कोई भी अच्छा लगेगा, कोई भी अच्छा लगेगा, कोई भी अच्छा लगेगा। आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है वैसे? अभी यहाँ पे तो हमारा, आपने देखा होगा सुबह से, आप सिंधी ब्रीड ही कवर कर रहे हैं। सिंधी तो सिंधी मेरे, दैट वाज नॉट सिंधी, दैट वाज मारवाड़ी। नहीं, वो तो मारवाड़ी है, आगे अभी दूसरे करवाएंगे ना आपको। पर आप पर्सनली क्यों नहीं पालते हो? आपका तो हॉर्स में यू हैव सो मच ऑफ इंटरेस्ट। शॉप, व्हाई डोंट यू हैव अ हॉर्स ऑफ योरसेल्फ? नहीं, जल्दी ये फार्म हाउस बन रहा है फहद भाई। आप ही फार्म का? वो अपना फार्म है ना, जी, उसके आगे ही मेरी जमीन है, वहाँ पे बना घोड़े पालोगे? चालू करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छी जगह आप नेक्स्ट टाइम आओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, कमिंग टू द सैडल नाउ। जी, वो सैडल पैड हमने देख लिया। जी, नाउ व्हाट आर वी गोना सी? अभी ये सैडल देखेंगे। सैडल देखे कहाँ से? ये बेसिक सैडल है, इसको काठी बोलते हैं। उसमें भी भाई बहुत सारी क्वालिटी आती है, काफी हैवी, काफी रगेड। हाँ, हाँ, है ना? ये प्योर लेदर की है भाई जी, उसमें क्वालिटी, पर इसमें उतनी फिनिशिंग नहीं है। फिनिशिंग है ये सैडल के हिसाब से, यही फिनिशिंग आता है। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है। कितने का है ये? नहीं, क्योंकि ये जो मटेरियल भी यूज किए गए, इस पे भी ऐसा लगता है कि रस्ट हो गया। देखो जी, बात भाई, ये सैडल के अंदर होता है, यूज द राइट मटेरियल इन दैट। भाई, इसके अंदर ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक सैडल ये बनने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने जाते हैं। ओके, हम लोग जब ऑर्डर करते हैं ना फहद भाई, तो 200 पीस 300 पीस ऑर्डर करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि रेनी सीजन के अंदर ये लेदर का काम नहीं होता है। ओके, हम लोग एडवांस में लेते हैं। अच्छा, एडवांस में लेके स्टॉक करते हैं जी। अब माल वहाँ से निकलेगा कैसा आता है आपको भी मालूम है, पड़ा पड़ा ये जो भी है बक्कल के अंदर काट लगी जाता है। ओके, अब कितना भी संभालो इसके अंदर हो ही जाता है। बाकी
आपको लेदर के ऊपर कहीं भी कुछ भी खराबी नहीं ओके दिखेगी। खाली वो जंग के हाँ, अलावा वो बाकी हो सब ही जाता है फायदा परफेक्ट है। जी कितने का आएगा? या ये आएगा आपको 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये इसके अंदर भी बहुत क्वालिटी है मेरे पास, 2,200 से स्टार्टिंग है सेम सैडल की। ये वाला फिलहाल 3,000। हाँ ये फिलहाल मैंने बेसिक निकाल के रखा है। ये भी क्या हॉर्स के साइज के ऊपर होता है क्या? दिस इज फॉर द एडल्ट हॉर्स। ना ये हॉर्स के साइज जनरली राइड तो एडल्ट हॉर्स को ही करते हाँ, हैं, उस पे ही करते हैं। अपन बिठाना किसको, बच्चे बैठने वाले हैं या बड़े राइट, बैठने राइट। वाले हैं, उस हिसाब से साइज है। ये 18 इंच है। ओके। इसमें एक आता है 16 इंच का, जैसे कोई दुबला पतला जॉकी हो या कोई। सो विल यू फिट इन? नो मैं नहीं होऊंगा, मैं इस पे होऊंगा। इस पे हो जाओगे, इसके छोटे वालों पे मैं नहीं होऊंगा। ओके ओके। कितना बोला आपने? 3,000 रुपीज। ओके। ये मेरी यहाँ का सबसे बेस्ट सैडल है, अमेरिकन वन, लिटिल फैंसी जी, थोड़ा ये वेस्टर्न लुक में बनाया हुआ है, अमेरिकन आइसलैंड नाम है इसका, और ये इंग्लिश और काठी को मिक्स करके बनाया हुआ है। ओके। आपने उसमें देखा होगा कि उसके अंदर एंगल दिख रही है, इसमें नहीं दिखेगी, उसमें पूरा कवर है, पूरा ये आपने क्राफ्ट वर्क है इसके अंदर, ग्रास की फिटिंग नहीं, पीछे तो ये आएगा, पीछे तो वो आएगा जी। हाँ, ये अपने आगे के लिए अपने थाइस पे कभी नुकसान नहीं होगा, उसमें हो सकता है, उसमें बाई चांस। तो फिर क्यों बेचते हो आप? फहद भाई ये बैठने वाले लोग, राइडिंग करने वाले, आप देखोगे आप रवाल के घोड़े में पीछे बैठते हैं, एकदम बैक होके बैठते हैं, और ये अपने ये प्रोफेशनल राइडर लोग आगे से बैठते हैं, करेक्ट, उसके भी फर्क पड़ता है ना। चलिए, ये कितने प्राइसेस चीप है वो जो मेले में जो होता है उससे मुकाबले? तो वो बहुत माल तो बहुत जगह आपको हर कुछ मिलेगा, पर ये क्वालिटी डिपेंड करता है। ओके। इसमें सेम सेडल मेरे पास 8,500 रुपीज का भी है, 4,500 रुपीज का भी है, और 3,000 रुपीज का भी है। ठीक है ठीक है। कमिंग टू द मोस्ट फिनिश एंड वेरी रिफाइंड वन, वेरी सॉफ्ट लुकिंग, वेरी सॉफ्ट लुकिंग, ये सब ये वेरी वेस्टर्न। ये आपको मालूम होगा मैंने अगली बार भी आपके पे लॉन्च किया था। जी, जी, काफी अच्छा रिस्पांस है सैडल का। ये भी अपने ही प्रोडक्शन हाउस में जी, बना ये भी मेरी प्रोडक्शन हाउस में ही बना हुआ है। इसमें ये सिंथेटिक पे है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है। ये 5,000 रुपए की फायद भाई पूरी किट है। क्या क्या आता है इसके साथ? जैसे आपको मैंने वो सैडल पैड दिखाया, सैडल पैड आता है जी, सैडल पैड हो गया, सिंगर इन द हाउस। और क्या फायद भाई? अस्सलामुअलैकुम। कहाँ पे थे आप लोग? फार्म पर? फार्म पर वो बकरे, वो उनको बोल तो नहीं सकते ना, फाद भाई आए आज खाओ भाई। नहीं तो यू हैव योर स्टाफ हिला करा है, स्टाफ नहीं खड़ा रहना पड़ता है, जब तक खड़े नहीं रहते कोई भी एक तो होता ही जी। देखो फाद भाई ये आपके सामने पूरा किट है, किट है। सैडल तो हो गया, सैडल हो गया। ये इसके आयरन के स्टरप्स हैं जिसमें पांव लगते हैं, पांव रखते हैं। ये इसके इसका बेल्ट है, वो नीचे से पेट के ऊपर से नहीं, ये पेट वाला, ये पेट वाला ये है जी। और ये स्टरप्स के बेल्ट है। अच्छा, और उसके नीचे वाला पैड है, ये जो मैच नहीं कर रहा है, ये जो पैड है ना, पैड पैड की बात कर रहा हूं। तो मैंने ऐसे ही रखा, ब्राउन कलर भी है, जल्दी जल्दी में निकालने के लिए वो मैंने रख दिया है। ब्राउन कलर दो ना यूसुफ भाई, कोई भी कलर ले सकते हो। वही मैं सोचा है, तो कलर डिजास्टर नहीं, हो गया ना। ये सब कॉम्बिनेशन में यूज होता है। ये ब्राउन के नीचे कोई ब्राउन नहीं रखता है, रेड रहता है, ब्लैक रहेगा, ब्लू रखेगा। ये पूरा सेट ही बनाया हुआ है इस टाइप का। ये 5,000 का पूरा सेट है, 5,000 रुपीज का पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, यू डिलीवर ऑल अक्रॉस इंडिया? जी, मैं बोला ना आपको, ऑल अक्रॉस इंडिया। कितने जनरली कितने दिन में डिलीवर हो जाते हैं? देखो फहद भाई, मुंबई का होगा तो दो दिन में पहुंचा दूंगा। वेयर इज योर कस्टमर मेनली कम फ्रॉम? वैसे व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? मुंबई से ज्यादा, अहमदाबाद से है, फिर कश्मीर से भी है, पंजाब पंजाब से नहीं है, पंजाब से भी है, राजस्थान, पंजाब से भी बहुत सारे हैं फहद भाई, साउथ इंडिया। दे हैव लोकल आउटलेट्स बहुत है, आपके कंपटीटर्स बहुत है। जी जी है, फिर तमिलनाडु से ज्यादा है, हैदराबाद से भी काफी अच्छे कस्टमर है मेरे, और ह्यूज क्लाइंटेल, बैंड बेस बहुत है, बहुत 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 अच्छा है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला जो है, नाउ दिस इज वेरी सॉफ्ट जी, ये भी बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छी फिनिशिंग में है, ये बहुत अच्छी फिनिशिंग है, और प्योर लेदर का सैडल है, प्योर लेदर का है, प्योर लेदर है, अंदर पूरी फाइबर का, मेड इन इंडिया, आपने उधर जी जी, ये मेड इन इंडिया ही। अच्छा, इसका कितना बताया? 5,000 रुपीज का पूरा सेट है। ठीक है, दिस वॉज 5,000 रुपीज, दिस वॉज 3,000 रुपीज काला वाला, ये वाला भी 5, नहीं ये 7.5, ये 7.5 का क्वालिटी है इसके अंदर, ऊपर नीचे। ओके, और ये वाला फाइनल, ये फायद भाई पूरा लेदर का सेट आपको पड़ेगा 13,000 रुपए का, सबसे सस्ता यही है। हाँ, सबसे सस्ता यही, नेक्स्ट गिव अवे में यही देने वाले इंशाल्लाह, इससे भी सस्ता है मेरे पास वो, क्या 50,000 का? हाँ, 50,000 का ही है भाई। मोबाइल मैं आपको इसको पूरा सेट दिखा देता हूँ,
अच्छा, यू डोंट हैव इट रेडी? रेडी अभी करने में। 50,000 का बता रहे हो सच में? हाँ, मैं सच में 50,000 का दिखा रहा हूँ आपको। पहले ये 13,000 वाला का पूरा सेट कर देता हूँ। ओके, कि आपको भी। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहते हो ना? हाँ, मैं जितना भी माल नया आता है वो मैं इंस्टाग्राम पे। ये जो डिज़ाइन विज़ाइन होती है, ये क्या आपका ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होता है कि हमें ऐसी बनवानी है कि भाई चलती है? नेट पे जो है वो आप देख लिया, उसी को कॉपी मार के कर? नहीं नहीं, ऐसे ही चलती ही रहती है, उसके अंदर इसके अलावा कुछ चलेगा नहीं। ये देखो फाद भाई, ये पूरा 13,000 रुपये का सेट है। ये इसी की बात? हाँ, ये इसकी सैडल की ही बात कर रहा हूँ। डिज़ाइन इसमें दो टाइप की डिज़ाइन है, ये मैंने अलग डिज़ाइन कर रखा, ये डिज़ाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने बोला ना कि वो आप डरा रहे हो आप तो। नहीं नहीं सर, मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये आप चीज देखोगे, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को एक दे दे, मैं घर में ऐसे ही रख देता हूँ। घोड़ा नहीं है, मैं सैडल रख, ऐसे ही शो के लिए भी रहते हैं। ठीक है, ये तो राजा महाराजों का है जी। ये फहद भाई, ये ब्रांड का सैडल है शोमैन, ये इंडिया में ऐसी पांच ही है और पांचों पांच मेरे पास है। वेरी ब्यूटीफुल, इज इट मेड, इंपोर्ट? मेड इन इंडिया है, ये यूएसए एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, ये इंडिया में सिर्फ 5 पीस है, उसमें से मैंने 3 सेल, 2 सेल किए हुए हैं। वहाँ बनता है ये? जी जी, आपके वहाँ? ये इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ही ये सैडल, ये ब्रांड का, यह ब्रांड का लोगो भी है, मेड इन इंडिया, हैंडमेड शोमैन सैडलर। ये दिस इज नॉट योर ब्रांड? नहीं नहीं, मेरी ब्रांड नहीं है ना। अच्छा, ये यूएसए एक्सपोर्ट होता है, यूएसए का माल इंडिया में बनता है। ओके, और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है यूएसए। ओके ओके, तो वहाँ से मैं निकाल के लाया हूँ ये 5 पीस। बट यू आर द ऑथराइज्ड? जी जी, ये शोमैन के जो भी सैडल है आप देखोगे, डबल टीटी, आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, ये ब्रांड आपको मिल जाएगी। इसका फायद भाई पूरा सेट है, 50,000 रुपए का है, पर पूरा सेट है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत यूनिक। ये आप मुझे, इज दिस फोटो टेकन बाय यू? हाँ, ये मेरे ही फोटो है। फोटो आप ही ने लिया? हाँ, तो मुझे, आप मुझे देना, मैं कवर इमेज में आई थिंक वी कैन ये कंबाइन करके हम क्लब करके, आप ये सेट मत करो, क्लब करके हम डाल देंगे। ये पूरा सेट है, आप देख सकते हो उसका ब्रेड प्लेट, हेड स्टॉल, फिर उसके अंदर इसकी ये पैड। बहुत प्रिंसली है, बहुत रॉयल है ना? जी बहुत रॉयल है। ये घर पे सजाने के लिए भी अच्छा। ये मैंने 2 कस्टमर को दिया हुआ है ऑलरेडी, अहमदाबाद में दिया हुआ है। ओके, चलिए, वंस अगेन, एनीबडी हु वांट्स टू ऑर्डर, नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका, इलियास भाई का। व्हाट इज योर नंबर अदरवाइज? इज फ्रॉम माय नंबर इज 9924339209 8246517100। यू आर द होल डायरेक्टरी, रिमेंबर? नाउ वंस अगेन, कहां गया अपना ये, वेयर वाज दिस जो गिव अवे था? वो रहा फहद भाई, ये जी, वो ये भी है। क्या करना है आपको? कमेंट करना है कुछ भी शॉप के बारे में, FSA एंटरटेनमेंट के चैनल पर आएगा, और इनको लाइक करना है और कमेंट करना है, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजना है द सैडल शॉप। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।